अमेठी और रायबरेली में पांचवें चरण में चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी से कांग्रेस तक पूरा जोर लगा चुकी है। एक तरफ सीएम योगी अमेठी में स्मृति ईरानी के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी सियासत की विरासत बचाने के लिए अमेठी रायबरेली में डेरा डाल चुकी है। देखिए रिपोर्ट। पांचवें चरण की सबसे हॉट सीट अमेठी और रायबरेली, जहां सबकी नजर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी पर टिकी है। बात विकास बनाम परिवारवाद की हो रही है और बड़े बड़े नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनाधार जुटाने के लिए मंच पर उतर चुके हैं। दरअसल दूसरी बार जीत के लिए स्मृति ईरानी अमेठी में अपना घर बना चुकी है, तो प्रियंका गांधी पिछले कई दिनों से रायबरेली में डेरा डाल चुकी है, ताकि रायबरेली के साथ अमेठी तक अपनी पकड़ बना सकें। लेकिन जो तस्वीर आज अमेठी के जगदीशपुर से आई, वो कांग्रेस के लिए चुनौती से कम नहीं, क्योंकि स्मृति ईरानी के पक्ष में वोट मांगने के लिए खुद सीएम योगी जनता के बीच नजर आए। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का जो परिवार यहां से प्रतिनिधि बनकर के, सांसद बनकर के जाता था, देश का नेतृत्व करता था, अगर उनके सभी कार्यकालों को मिलाकर के देख लिया जाए तो वह उतनी बार नहीं आए होंगे जितनी बार मात्र 5 वर्ष में स्मृति ईरानी जी अमेठी संसदीय क्षेत्र का दौरा किए हैं। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि स्मृति जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। ये हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में ये देश को प्रमाणित कर दिया कि लोकतंत्र में जमीन पर रहकर जब संगठन और सरकार काम करती है तो बड़े बड़े शहजादों की किले को ढाने की हिम्मत सामान्य वोटर में आ जाती है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, और इस मुकाबले को और खास बनाने के लिए खुद प्रियंका गांधी छोटी छोटी जनसभा के जरिए जनता के बीच मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। कोशिश इसलिए क्योंकि बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण से लेकर संपत्ति बंटवारे को मुद्दा बना दिया है। उनके स्तर के व्यक्ति आपको कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी है, तुम्हारे गाय तुम्हारे वो भैंस चुरा लेंगे। बताइए, प्रधानमंत्री के स्तर की बात है ये कि आपके गहने हैं, कांग्रेस पार्टी एक्स्ट्रा लाएंगे, अपने घरों में घुसेंगे, आपके मंगलसूत्र, आपका सोना ढूंढेंगे एक्सरे की मशीन से और उसको लेके किसी और को दे देंगे। आपके पास दो घर है तो एक घर ले जाएंगे, आपके पास दो गाड़ी है तो दो गाड़ी ले जाएंगे, और दो भैंसे हैं तो एक भैंस ले जाएंगे। अमेठी और रायबरेली की पिक्चर किसके लिए हिट, किसके लिए फिट बैठने वाली है, इसे वोट प्रतिशत से भी समझा जा सकता है। अमेठी में 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम को समझें तो बीजेपी को 49% वोट मिले, वहीं इस चुनाव में कांग्रेस को महज 43% ही वोट मिले। बात रायबरेली की करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 55% वोट मिले, जब सोनिया गांधी चुनाव मैदान में थी, और बीजेपी 21% से 38% वोट शेयर पर पहुंच गई। यानी जब राहुल गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़े तो उनकी करारी हार हुई। तो अब राहुल गांधी की डगर अमेठी छोड़ रायबरेली है, जहां सोनिया गांधी को मिले वोट प्रतिशत को बचाने के साथ विरासत की सियासत को कायम रखने की डबल चुनौती है, और इसी कोशिश में प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में डेरा जमा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एक तरफ राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ चुनावी मैदान में दम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने खोए जनाधार को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं, तो दूसरी तरफ अब मायावती भी इंडिया गठबंधन के वोट बैंक में डेरा डालने में लगी हुई हैं और मैदान में उतर चुकी हैं। दरअसल आज झांसी के कुरुक्षेत्र में तीनों नेता मंच से चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। यूपी के रण में दो लड़के दम दिखा रहे हैं, 7 साल बाद आपसी तालमेल बिठा रहे हैं और एक साथ मंच पर चुनावी गदा लहरा रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा रैली झांसी में हुई,
जहां दोनों नेताओं ने उन तमाम मुद्दों को उठाया जिसके भरोसे वो चुनावी मैदान में हैं। अखिलेश यादव ने कहा ये चुनाव संविधान बचाने का है। राहुल गांधी ने कहा महिला को लखपति बनाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा देश में महंगाई चरम पर है। राहुल गांधी ने कहा अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे। और इन्हीं दावों वादों के साथ दोनों आवाज बुलंद करते दिखे। और इस बार झांसी के लोग भारतीय जनता पार्टी की विदाई की झांकी की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग किसानों की आय दोगुनी की बात कर रहे थे, हमारे झांसी के किसान नौजवान जानते होंगे, इनके 10 साल की सरकार में किसानों की लूट हुई। ये लड़ाई जो है, इलेक्शन जो है, पहली बार ये इस संविधान को बचाने का इलेक्शन है। भाइयों और बहनों, जो भी आपको मिला है, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को, गरीब जनरल कास्ट को, वो इस किताब ने आपको दिया है। इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को टक्कर देने वाली मायावती भी आज झांसी में चुनाव प्रचार करती नजर आई। उन्होंने न सिर्फ अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे बल्कि मायावती ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा विपक्ष का घोषणा पत्र सियासी जाल है, उसमें फंसना नहीं है। लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनत कश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करने में काफी अंतर रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी मिशन 80 के लक्ष्य को साधने के मकसद से मैदान में है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी यूपी में कांग्रेस के खत्म होते जनाधार को बचाने के लिए साइकिल पर सवार हैं। ऐसे में मायावती का अकेले चुनाव लड़ना विपक्ष के लिए तनाव से कम नहीं, क्योंकि जब भी हो, जहां भी हो, मायावती इंडिया गठबंधन को टक्कर देने के लिए पहुंची जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। रायबरेली